आपको अपडेट देने जा रहे हैं। जो पटना शहर के दीवारों पर दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, और ये काम आगे भी बढ़ रहा है। पटना शहर की दीवारों को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दीवार चित्रकारी यानी वॉल पेंटिंग से पटना शहर की दीवारों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। इन पेंटिंग के माध्यम से कई तरह के संदेश दिए जा रहे हैं, और जहां पर जो फुटपाथ पटना का था, जहां पर गंदगी रहती थी, इन चित्रकारी की वजह से, इन पेंटिंग्स की वजह से गंदगी कम हो गई। पहले जहां पर हम अभी खड़े हैं, वहां पर खड़ा होना मुश्किल था। और मज़े की बात यह है कि ये सारी दीवारें सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है। अगर कोई गंदा करता है या गंदा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि ये जो चित्रकारी की गई है पटना की दीवारों पर, वो साफ रहे और फुटपाथ साफ रहे, लोग आसानी से फुटपाथ की मदद से आ जा सके, और जिससे सड़क पर जाम की समस्या भी कम होगी। क्योंकि लोग जब फुटपाथ गंदा रहता है और लोग मजबूरन सड़क पर चलते हैं तो गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो यहाँ पर अभी हम इंटर काउंसिल के पास हैं, और इंटर काउंसिल के पास ये सड़क है, ये सामने भूमि विकास बैंक है, और यहाँ पर ये चित्रकारी है। दो चिड़ियाँ हैं बैठी हुई है डाल पर, और ये चित्रकारी की गई है। इधर संदेश दिया जा रहा है कि थूकना मना है, ये संदेश दिया जा रहा है पेंटिंग के माध्यम से कि थूकना मना है। और यहाँ पर शौचालय जा रहा है आदमी, उसे बताया जा रहा है कि टॉयलेट उधर है। मेरा शहर साफ रहे, इसमें हम सबका हाथ हो, ये स्लोगन है। और यहाँ पर बच्चों की तस्वीरें हैं, कुछ बच्चे टॉयलेट कर रहे हैं और वहाँ पर वो दिख रहा है उसे। तो ये है, इधर दीवार पर क्रॉस लगा हुआ है कि यहाँ पर पेशाब नहीं करना है, एक संदेश दिया गया है। यहाँ पे मिथिला पेंटिंग दिख रही है आपको। इन दीवारों पर मगध संघ मिथिला मुहिम शहर की गंदगी से बचाने के लिए शुरू की गई है। पहली बार इसका छठ पर्व में इसका प्रयोग किया गया था गार्डियन रोड अस्पताल की दीवार पर किया गया था। और जहां पर दीवार की आड़ में लोग गंदगी फैलाते थे, लेकिन उसका परिणाम काफ़ी अच्छा हुआ। लोगों की गंदगी फैलाने की प्रवृत्ति में कमी आई। इसके बाद पूरे पटना में ये अभियान शुरू किया गया। परंपरागत राम सीता विवाह, महाभारत के प्रसंग के अलावा बुद्ध के उपदेश और जैन दर्शन से संबंधित चित्र, महावीर और श्री गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित प्रसंगों को पेंटिंग में शामिल किया गया है। इसमें मानवता के संदेश हैं, घर घर कचरा उठाओ, ये आप देख सकते हैं, स्वच्छता ही सेवा है, क्लीन पटना। प्लास्टिक प्रतिबंध, महिला सशक्तिकरण, ट्रैफिक कंट्रोल, जन सेवा केंद्र, पर्यावरण वेडिंग जोन, स्लम एरिया डेवलपमेंट आदि की भी पेंटिंग में जगह दी जा रही है। और इस पेंट की खासियत है, जैसा दावा किया गया है, कि 5 साल तक इस पेंटिंग को कुछ नहीं होगा,
यानी कि 5 साल तक ये पेंट टिकाऊ रहेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेंट जो है इन दीवारों पर इस्तेमाल किया गया है, इस पेंटिंग में इस्तेमाल किया गया है। ये आप देख सकते हैं मिथिला पेंटिंग की झलक और मगध संग मिथिला पेंटिंग की झलक आपको दिखेगी। तो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। पटना की लगभग हर दीवारों पर ये पेंटिंग आपको, इस तरह की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। और फुटपाथ भी बनाया गया है, देख सकते हैं। और इधर शौचालय भी बनाया गया है, टॉयलेट भी बनाया गया है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर चलने की कल्पना करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि काफ़ी गंदा रहता था यहाँ पर। अब इसकी वजह से ये जगह जो है साफ़ है। आप देख सकते हैं कि इस पेंटिंग की वजह से ये एरिया साफ है, क्योंकि ये काम कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है। अभी भी गंदगी की हल्की झलक आपको दिखेगी, लेकिन ये लेस मात्र है। पहले यहाँ पर चलना मुश्किल था, कभी चलना क्या, टॉयलेट करना भी मुश्किल था। लोग करते थे यहाँ पर, तो गंदे जगह पे ही करते थे, इतना गंदा हो गया था। तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस आपको बता दें कि इस मुहिम में राज्य भर के कलाकारों को मौका दिया जा रहा है, राज्य में जितने भी कलाकार हैं उनको मौका दिया जा रहा है। और शुरुआत हुआ था आर्ट कॉलेज के छात्रों को इससे जोड़ करके, और इसके बाद दूसरे जिले के भी कलाकार आमंत्रित किए गए थे। खासकर उन कलाकारों में दरभंगा, मधुबनी, मिथिलांचल से ज़्यादा कलाकार हैं। और इससे पहले मधुबनी स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग से सजाकर अलग पहचान दी जा चुकी है। अब तो लोग अपने निजी भवनों को भी बिहार की कलाओं से सुसज्जित करा रहे हैं। विद्यापति भवन समेत कुछ भवनों को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है। यही गार्डन रोड की दीवार है जिस पर छठ पूजा में
एक्सपेरिमेंटल ये किया गया था, पेंटिंग की गई थी और जिसका परिणाम काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ पे काफ़ी गंदगी रहता था लेकिन उसमें कमी आई और इसके माध्यम से इसके सबक लेकर के पटना की हर दीवारों पर ये किया जा रहा है, पेंटिंग किया जा रहा है। ये इधर इनकम टैक्स गोलंबर है, वहाँ भी गोलंबर पे भी पेंटिंग किया हुआ है, आप देख सकते हैं।
ये चिल्ड्रन पार्क है श्री कृष्णा पुरी का। यहाँ भी काफी गंदगी रहता था, आज इस पेंटिंग की वजह से अब यहाँ पे गंदगी नहीं है। अब लोग फुटपाथ का उपयोग करने लगे हैं। पहले फुटपाथ पे तो चलने के लिए सोचना पड़ता था, अब लोग फुटपाथ पे का उपयोग करने लगे हैं। गंदगी की वजह से फुटपाथ पे लोग चलना बंद कर दिए थे, लेकिन अब चूंकि साफ हो गया है तो इस पे आदत डाली चलने का। उससे क्या होगा कि जब लोग चलने लगेंगे इन फुटपाथों पर तो गंदगी करने वाले भी सोचेंगे कि यहाँ पे लोग चलते हैं, गंदगी ना करें। तो अब आदत रोड पे चलने की बजाय फुटपाथ पे चलना शुरू कीजिए, जिससे दो चीज़ होगा, एक तो जो दुकान लगाए थे फुटपाथ पर उसमें कमी आएगी और दूसरा सफाई भी रहेगा।